दो संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी उत्तराखंड कनेक्शन के बारे में हमें जानकारी देंगे। दूसरी तरफ सनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अजीत जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है और जिन अफसरों के, जिन अधिकारियों के नाम है वो छोटे पदों पर नहीं है, अच्छे खासे पदों पर उत्तराखंड में तैनात है, उनके परिवार वालों के नाम सामने आए हैं, पूरी जानकारी दें। मुझे देखिए, अभी एक बहुत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हमारे एबीपी गंगा के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया। आपने दो बार पूछा भी कि इसमें आईएएस आईपीएस भी लोग जुड़े हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने एक बार भी इस बात को मना नहीं किया। दूसरी बात है, ये घटना और ये जिसका इसका पूरा ज्यूरिडिक्शन गौतम बुद्ध नगर जिला है, वहीं जमीन है, वहीं मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन उसकी गूंज यहाँ उत्तराखंड के जो नौकरशाही के गलियारे हैं यहाँ पर सुनने को मिल रही हैं। और मुख्यमंत्री के सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, एफआईआर जो लॉज हुई है उसमें उनके ससुर का नाम बताया जा रहा है जो एम भास्करन है। इसके अलावा चूंकि एक ब्रजेश संत एक आईएएस हैं जो डायरेक्टर माइनिंग है, उनके फादर भी रिटायर्ड आईएएस हैं के एम संत, उनका भी नाम है, वो भी जिलाधिकारी हरिद्वार रह चुके हैं। और राजीव स्वरूप जो आईपीएस हैं वो दो बार एसएसपी रह चुके हैं हरिद्वार, तो उनका उनके भी उनकी माताजी का नाम है। तो देखिए, एक अफसर के पिता का नाम है, एक अफसर के ससुर का नाम है और एक अफसर की मदर उसमें नेम्ड हुई है, तो ये एक अब बहुत नज़दीकी रिश्तों को हम बिल्कुल झुठला नहीं सकते। और हरिद्वार से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है, चूँकि बारी बारी से हरिद्वार में इन सब अधिकारियों की पोस्टिंग रही है। और हरिद्वार का एक कनेक्शन और भी हो सकता है, जब यशपाल तोमर की जमीन को कुर्क करने का मामला शुरू हुआ, जब एक विधिक कार्रवाई शुरू हुई, इस पर गैंगस्टर लगाने की कार्रवाई शुरू हुई, तो जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे, उन्होंने उस पर गैंगस्टर लगाया और उनकी संपत्ति 150 करोड़ की कुर्क कर ली थी। तो ये कार्रवाई जो है, इसका सिलसिला जो आज नोएडा में बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर हो रही है, उसकी शुरुआत हरिद्वार से हुई थी। तो ऐसा भी मतलब चर्चा हो रही है कि ये लोग यहाँ तैनात रहे हैं तो यशपाल तोमर के साथ जाहिर तौर पर कोई संबंध होंगे होंगे कि नहीं होंगे, ये जांच का पार्ट है। लेकिन ये सच है कि इस एफआईआर में उत्तराखंड के तीन ब्यूरोक्रेट्स के बहुत नजदीकी संबंधियों के नाम दर्ज हैं और ये जांच, जैसा अभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बता रहे थे, कि बहुत शिद्दत से आगे बढ़ रही है, थोरोली एक टीम इसकी जांच कर रही है। तो इसमें यहाँ पर चूंकि एक मुख्यमंत्री के लिए एक सिचुएशन थोड़ी अजीब सी इसलिए हो सकती है, चूंकि एक अफसर आर मीनाक्षी सुंदरम उनके सचिव भी हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में जो सचिव होते हैं, तो वो एक तरह से उन पर किसी भी तरह का कोई ऐसा कोई आरोप लगता है तो वो मुख्यमंत्री की पोजिशन डैमेज होने की संभावना भी बनी रहती है। फिलहाल तीन उत्तराखंड के अधिकारियों के बहुत नज़दीकी संबंधियों के नाम जो अभी इस एफआईआर लॉज में जो नामजद हुए हैं, जिनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। हरिद्वार का कनेक्शन मैंने आपको बताया, बारी बारी से सभी की तैनाती रही है और ये जो हरिद्वार से शुरुआत हुई थी गौतम बुद्ध नगर तक गई है। अब ये क्या है, मतलब जमीन वहां है, यहां पर तैनाती रही है, या इनका कोई आपस में कोई कोरिलेशन है कि नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अजीत जी लौटूंगी आपके पास, इस पर भी मैं सवाल लूंगी। सनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूरी जांच पड़ताल इस पूरे मामले की उन्होंने किया है। सनोज के पास मैं जाना चाहूंगी। सनोज, क्या आपको जांच पड़ताल में जानकारी लगी? देखिए, जैसे जैसे इतिहास के काले पन्ने पलटे जा रहे हैं, यशपाल तोमर के तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि यशपाल तोमर का जो सिंडिकेट है वो यूपी से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर पंजाब और हरियाणा और राजस्थान तक फैला हुआ है। अब इसमें नई नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। 117 ऐसे अनुसूचित जाति के जो जमीनों के पट्टे हुए थे उसके आवंटन में खेल खेला गया और ये खेल अधिकारियों से साठगांठ करने के बाद खेला गया। इस मामले में दादरी थाने में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एक 20 तारीख को दर्ज किया गया 20 मई को और एक 22 मई को दर्ज किया गया। देखिए, चिटेरा का जो भूमि घोटाला है, कई अरब खरब रुपए का भूमि घोटाला है, वहां के तहसील के अधिकारियों से साठगांठ करके ये पूरा खेल खेला गया और इस मामले में डीएम ने जब जांच कराई तो जांच के बाद तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, कई अधिकारियों से साठगांठ यशपाल तोमर की थी। यशपाल तोमर ने उन अधिकारियों को बचाने के लिए और उन अधिकारियों और खुद को बचाने के लिए पूरा एक बड़ा इसने एक सिंडिकेट बना रखा है। आप ये सोचिए कि जो अनुसूचित जाति के जो पट्टे हैं, जमीनों का आवंटन होता है, वो अनुसूचित जाति के लोगों के नाम ही किए जा सकते हैं और ऐसे में यशपाल तोमर ने कृष्णवीर, करमवीर और बेलू, ये तीनों इसके नौकर हैं जो बागपत में इसके घर पर रहते हैं। इसमें से जो करमवीर है वो उसकी कभी गाड़ी चलाया करता था, तीनों के नाम इसने पट्टों का आवंटन कराया। और आप ये देखिए कि उसके बाद जो उत्तराखंड की अफसरशाही है उन अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम इन जमीनों का आवंटन करा दिया गया।
और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यहाँ जो राधेश्याम मिश्रा अपर आयुक्त है, पूरी जानकारी आपने सनुज दी, पूरी जानकारी दी, लौटूंगी मैं आपके पास। ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अजीत सिंह राठी जी। अजीत जी, अब क्या लग रहा है, जिन अफसरों के, जिन अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, आने वाले दिनों में उनकी कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अफसरों का ये चेक भी होता है, कितनी जमीन है, कितना उनके पास मालिकाना हक है, ये सब चेक होने के बावजूद भी सरकार उत्तराखंड में और उत्तराखंड में ही उनकी जगह, लेकिन जमीन ली है ग्रेटर नोएडा में। बिल्कुल, सवाल यही है कि तैनाती यहाँ थी और जमीन ग्रेटर नोएडा में ली गई थी, दादरी थाने का जो क्षेत्र है, जो चिटेहरा गांव है। और सवाल ये भी है कि जो आसामी के पट्टे होते हैं, राजस्व विभाग की जो गाइडलाइन है, ये बड़े कानून बने हुए हैं, आसामी के पट्टे दलितों को दिए जाते हैं, उनको खरीदने की परमिशन कलेक्टर के द्वारा की जाती है, ऐसी कोई परमिशन भी नहीं हुई। तो तमाम ऐसी चीज़ें इसमें, जो राजस्व विभाग के जो जेड एलआर एक्ट है, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम है, या लैंड रिफॉर्म्स का जो एक कानून है, उनके अनुसार उनका ट्रांसफ़र या उनका उनकी खरीदारी, उनकी खरीद फरोख्त, जो मतलब एक जिसको हम कहते हैं कि कूटरचित तरीके से ये सारा गेम हुआ, जो एफआईआर में लिखा गया है उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। और जो यहाँ पर तीन अफसर, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो आईपीएस जो है राजीव स्वरूप, वो थोड़ा अभी कॉर्नर में है, पहले एसएसपी हरिद्वार होते थे, लेकिन वो डीआईजी पुलिस है इस समय। और लेकिन जो दो अफसर हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं, एक तो मुख्यमंत्री के सचिव हैं, ऊर्जा विभाग के सचिव हैं, फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, ब्रजेश संधवी डायरेक्टर माइनिंग है, मेरठ विकास मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी भी हैं। बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं और ये तो अब देखना मुख्यमंत्री को होगा कि मुख्यमंत्री इस जाँच पूरी होने का इंतजार करते हैं या वो उससे पहले ही कोई निर्णय लेकर उनकी जो पोस्टिंग है, उनकी तैनाती है, कहीं दूसरी जगह करते हैं। क्या करना है कि चूंकि ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री पर निर्भर करेगा कि अपने अधिकारियों के साथ कैसे सलूक करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की है और जो धाराएं उसमें लगी है 366-67 और जो 420, तो उसमें गिरफ्तारी होनी भी तय है जितने अभियुक्त, जितने आरोपी बनाए गए हैं। बिल्कुल अजीत जी, अब देखना होगा कि अधिकारियों की मुश्किलें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी और मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आएगा तो क्या मुख्यमंत्री की तरफ से एक्शन लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, सनोज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।